नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का हमारे YouTube चैनल चार्टेड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी सीरीज चार्ट ऑफ द वीक के लिए आज हम एक नया वीडियो लेके आए और आज के इस वीडियो के अंदर हम दो स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो पहला स्टॉक है उस स्टॉक को हम पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में दे चुके हैं और 94 के लेवल पे हमने इस स्टॉक को खरीदारी करने के लिए कहा था और जो टारगेट था वो 150 का पहला टारगेट था जो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब 150 के लेवल पे आके इसमें फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है और फिर से यहाँ पे और स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और एक नया सीमेंट स्टॉक है जिसके अंदर यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, तो चलिए देखते हैं कौन से दो स्टॉक हैं। देखिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। हम सिर्फ 500 लाइक का आपके लिए टारगेट रख रहे हैं, तो लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी मत बरतिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। तो यहाँ पे ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है ये ITD सीमेंटिनेशन का चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, और आपको अच्छी तरह याद होगा यहाँ पे ये 94 रुपये का ये वाला ब्रेकआउट का लेवल है। इस ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर हमने ITD सीमेंटिनेशन को चार्ट ऑफ द वीक में दिया था और जो टारगेट था वो टारगेट था 150 रुपये का ये वाला जो हमने यहाँ पे जोन बना रखा है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए, किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट रहा हमारा। अब ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो देखिए ये रेजिस्टेंस रहा, तो इसी रेजिस्टेंस का टारगेट था हमारा जो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपको देखिए एक चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा होगा ITD सेमेंटिनेशन के अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे ये अपने पास में एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये पूरा हेड हो गया और हेड के बाद में यहाँ पे देख सकते हो राइट शोल्डर बन चुका है। एक क्लासिक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न यहाँ पे ITD सीमेंटिनेशन के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें लास्ट के दो दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक के अंदर आती हुई नजर आई है, तो जो अपना डे चार्ट है अभी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि डे चार्ट के ऊपर यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो उसके हाई जब ब्रेक हो जाएगा ना तब आप इसके अंदर दोबारा से एंट्री कर सकते हो। और अगर आपने देखिए इस 94 के लेवल पे देख के एंट्री कर रखी है तो निश्चित तौर पे आप इस स्टॉक को होल्ड कर लीजिए और जो स्टॉप लॉस है उसको 126 रुपये का रख लीजिए। चार्ट के अंदर एक चीज यहाँ पे और नजर आ रही होगी, ये वॉल्यूम, ऐसी वॉल्यूम बहुत कभी कभार किसी स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है जो ITD सीमेंटिनेशन के अंदर देखने को मिली है। क्या गजब की वॉल्यूम है दोस्तों, तो मैं इस वॉल्यूम से बहुत प्रभावित हुआ हूं इस स्टॉक के अंदर। और अगर मैं यहां से इस 150 रुपए के ब्रेकआउट के बाद अगर मैं टारगेट की बात करूंगा तो यहां से हमको एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस तरह से ये एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बनेगा अपना पूरा, और जो अगला टारगेट है वो यहां पे हम 225 रुपए का लेके चलेंगे, तो 126 रुपए का SL रखना है आपको और 225 रुपए का इसके अंदर अपना टारगेट रहेगा। अब चलिए हम डे चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। अब ये डे चार्ट है हमारे पास में और ITD सीमेंटिनेशन के अगर आप देखोगे तो ये अपने पास में देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बन चुकी है और आज के दिन यहाँ पे निचले लेवल से इसके अंदर दोबारा से खरीदारी स्टार्ट हुई है, तो देखिए यहाँ पे एक गैप बना है, तो मुझे लगता नहीं इस गैप से अपना स्टॉक नीचे जाने वाला है, फिर भी हमने 126 का SL रखना है। अब इसके ऊपर जब निकलेगा इस शूटिंग स्टार कैंडल के हाई के ऊपर, अगर देखिए आपने पहले से इस 94 के लेवल पे खरीदारी कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको होल्ड बने रहना है, 126 का SL है। अगर फ्रेश एंट्री दोबारा फिर से करना चाहते हैं तो इस शूटिंग स्टार कैंडल के देखिए हाई के ऊपर निकलने दीजिए, तब हम ये मानेंगे कि ये जो कैंडल बनी है यहाँ से ये जो बिकवाली आई है ये फेल हो चुकी है और बायर फिर से एक्टिव हो चुके हैं इस स्टॉक के अंदर। तो इसका जो हाई है 156 के आसपास का, इसके ऊपर निकलने के बाद आप ITD सीमेंटिनेशन के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के चार्ट ऑफ द वीक के सेकेंड स्टॉक पर। स्टॉक का नाम है सीमेंट सेक्टर की कंपनी है द रैमको सीमेंट के नाम से, और इसका जो पुराना नाम था वो मद्रास सीमेंट था, और अगर हम क्लोजिंग भाव की बात करें तो 843 रुपये इसका आज का क्लोजिंग भाव है। लगभग 8% की तेजी हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अभी मार्च तिमाही के रिजल्ट आए, बहुत शानदार रिजल्ट हमको रैमको सीमेंट के आते हुए नजर आए थे, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह का हमको ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। ये हमारे पास में रैमको सीमेंट का जो चार्ट है, ये सबसे पहले हम एक वीकली चार्ट देख रहे हैं, और इस वीकली चार्ट में अगर मैं बात करूं स्टॉक के हाई की तो ये अपने पास में 1125 रुपये का हाई लगा था, वहाँ से इसमें एक गिरावट आई और ये 580 रुपये का यहाँ पे लो लगा है। और इस वीक की मैं बात करूंगा, ये वाली कैंडल एक मारुबोजी कैंडल बनी है, वो ज़बरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में बनी है, तो जितनी हमारी प्राइस की कैंडल है उससे लंबी हमको यहाँ पे हमारी वॉल्यूम की कैंडल देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ज़बरदस्त इसके अंदर खरीदारी करी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
हमको एक रैम को सीमेंट के अंदर एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन है ये अपने एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। एक बार दो बार यहाँ पे देखे तो 3 से 4 वीक तक स्टॉक कंसोलिडेशन होता रहा इसी ट्रेंड लाइन के पास में। और मैं सपोर्ट की बात करूंगा तो एक बार दो बार तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे रैमको सीमेंट के अंदर वीकली चार्ट पे हमको ट्रायंगल पैटर्न बना था और इस वीक की कैंडल हमारे पास में ये रही जिसका हमको यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। और लास्ट जो सपोर्ट था जिसके ऊपर भी स्टॉक यहाँ पे निकल चुका है। अब मैं टारगेट की बात करूंगा तो जो पहला टारगेट इस स्टॉक के अंदर आ सकता है वो अपना ये 920 रुपये का हम पहला टारगेट लेके चलेंगे इसके अंदर। और अगर यहाँ से 920 अगर निकल जाता है तो अगला टारगेट निश्चित तौर पे ये जो अपना हाई लगा था 1120 रुपये का ये टारगेट रहेगा। साथ में हम यहाँ पे एक मूविंग एवरेज भी देखने वाले हैं जिस मूविंग एवरेज का ये रेजिस्टेंस ले रहा था उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। अब देखें चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर की ये वाली लाइन नजर आ रही है ना ये हमारे पास में हमने वीकली का 200 EMA यहाँ पे लगा दिया है। अब इस EMA की बात करेंगे जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न की जो ट्रेंड लाइन बनाई थी रेजिस्टेंस वाली ठीक वैसे ही हमको यहाँ पे 200 EMA का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये रेजिस्टेंस रहा दो बार रेजिस्टेंस और यहाँ से 3 से 4 वीक का ये रेजिस्टेंस रहा। तो रेजिस्टेंस ये जो 200 वीक का जो EMA वो अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो स्टॉक के अंदर आमतौर पे अच्छी तेजी हमको देखने को मिलती है। तो ऐसी तेजी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे रैम को सीमेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो जो 200 EMA पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा था जिसका भी ब्रेकआउट हुआ है मैं स्टॉप लॉस की बात करूंगा तो 760 रुपये का डे क्लोजिंग का आपको यहाँ पे रैम को सीमेंट के अंदर स्टॉप लॉस रखना है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों आज के इस स्टॉक के अंदर हमने दो स्टॉक के बारे में बात करी थी ITD सीमेंटिनेशन और रैमको सीमेंट के बारे में। तो दोनों इन स्टॉक्स के अंदर मेरी खरीदारी करने की देखिए कोई राय नहीं है। ये जो वीडियो बनाया मैंने ये सिर्फ एक एजुकेशन के मकसद से बनाया है। अगर आपको खरीदारी या बिकवाली करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर आप इन स्टॉक के अंदर निवेश करने कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।